हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज कुछ ऐसा सीन है कि हम जा रहे हैं अपने गांव विलेज, क्योंकि आप लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, बाकी बहुत लोग तो जानते होंगे कि मैं विलेज से बिलोंग करता हूं, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं देसी हूं, समझ रहे हो। ये सब कहने में मुझे कोई शर्म भी नहीं आती है, बल्कि प्राउड फील होता है कि हाँ, एक किसान का लड़का होके भी मैं ये सब कर सकता हूँ जो बहुत सारे लोग से सोच सकते हैं कर नहीं सकते। बाकी 62 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, नाउ रेडी टू गो। और अपने गांव जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी दादी एंड अंकल वहां रहते हैं, तो मेरी जो कार है वो लेके दद्दू निकले हैं मेरे भैया, उसमें पापा मम्मी हैं। तो सब लोगों ने बहुत कहा कि बेटा आओ देखें तुम्हारी बाइक, क्योंकि गांव में किसी ने बाइक देखी नहीं है और इतनी महंगी बाइक कभी किसी ने देखी हो शायद ही हमारे गांव में। सो आज हम जा रहे हैं अपने गांव ताकि वो लोग भी इस बाइक का दीदार कर सकें कि हाँ, इतनी महंगी बाइक भी होती, क्योंकि गांव के लोग यार इन सब चीज़ों से अनजान होते हैं, उनको पता नहीं रहता। और हाँ, एक वहाँ पहुँचने के बाद एक चीज़ है जो मुझे सुनने को बहुत मिलने वाली है, ये तो मैं श्योर हूँ, पक्का 100% मिलने वाली है और इससे कोई नकार नहीं सकता कि जब वो बाइक का प्राइस पूछेंगे और मैं बताऊंगा तो वो एक ही मुझे आंसर सुनने को वहां से मिलेगा। और वो क्या, गेस करो, कौन कौन गेस कर पाया? आंसर है कि इतने में तो कार आ जाती। ये जो है ना, ये आंसर मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा और मेरा रिप्लाई जो होगा, ओह शिट, मेरा कैमरा, मेरा गोप्रो गया, लटक गया भाई, लटक गया। इतनी देर मैंने घर पे सेट किया इसको ताकि क्या ही बताएं भैया तुमको, हम इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था हमने तुम्हें, हैं, ताकि तुम हमें ऐसी परिस्थिति में लटक जाओ। राइडिंग जैकेट, ग्लव्स वगैरह पहन ली, गर्मी बहुत हो रही है, पसीना पसीना हो रहा हूँ। सो वहाँ के लोगों के रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, बहुत तगड़े होने वाले हैं, मज़ा आएगी देख के और प्राउड भी फील होगा। कुछ लोग तो प्राउड फील करेंगे, कुछ लोग जेलस फील करेंगे, जेलस वालों को मैं कुछ नहीं कर सकता, प्राउड वालों को बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड रॉक एंड रोल बेबी, बिकॉज इन लखनऊ की गलियों में घूम रही है एक चीता, द रियल चीता मैन। चीता भी इसके सामने कुछ फेल है, ये जेट है। देख रहा हूँ 136 इन जस्ट सेकेंड्स मैन। आरएस को मैं वहां से भगाता था यहाँ तक, वो 136 पहुंच पाती थी और ये तो आधा भी नहीं लगा इसे 136 पहुंचने में। भाई लिटरली ना, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था, बट हाँ मन में एक विश्वास था कि करेंगे यार, एक दिन तो करेंगे। लाइफ में कैसे करें, ज़रूरी नहीं है सोर्स यूट्यूब हो, बट हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोर्स यूट्यूब हो, मैंने सोचा कैसे भी करूं, मैं मेहनत करूंगा, बस किसी भी फील्ड में हो मेहनत करूंगा, अर्न करूंगा और अपने सपने पूरे करूंगा। सो हेयर इज़ माई ड्रीम, एंड इस ड्रीम को मैं मतलब क्या ही बयां करूं, कैसे बयां करूं, लफ्ज़ है ही नहीं मेरे पास इस चीज़ को बयां करने के लिए। बाकी अपनी बेबी का ध्यान रखते हुए मुझे फ्यूलिंग करानी होगी एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की, क्योंकि हमारी बेबी को भूख बहुत लगती है और महंगा खाना पसंद है। सो अब हमारी जो गर्लफ्रेंड है उसके खर्चे तो हमें उठाने ही पड़ेंगे। वाओ, आ, 95 ऑक्टेन का पेट्रोल है भाई, पेट्रोल 690 किलोमीटर चला चुका हूँ भाई मैं, माइलेज 13.4 किलोमीटर पर लीटर आ रहा है इस टाइम, एक प्रॉपर माइलेज चेक करना पड़ेगा हमें। भाई एक्सपी फुल, देखना देखना टनल, मतलब ऐसा ऐसा साउंड।
वाओ मैन लिट। भैया लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए हो यार। तो फाइनली मम्मी पापा भैया और हमारी कार मिल गई है, ये जा रही है। इतनी तेज आने के बाद भी मिल गई। मैं करीब 15 से 20 मिनट बाद निकला हूँ। अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हमारी दादी बहुत खुश हैं, मतलब इतना खुश हैं कि क्या ही बताएं कितना खुश हैं इस टाइम। तो हमने कहा जी आते हैं मिलने हम आपसे। और दादाजी तो हमारे हैं नहीं, अगर दादाजी होते तो फिर अलग ही फीलिंग होती। उनसे मेरा थोड़ा इमोशनल टच भी था। तो बस दादाजी को मैं अपने बहुत मिस करता हूँ। बाकी क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के सामने सब बेकार है। अब देखो गांव में घुसते ही हम आ गए गांव की बोली पे, क्योंकि भाई हम हैं देसी आदमी, तो अब हम बोलेंगे एकदम शुद्ध देसी भाषा, ठीक है। डोंट माइंड, जस्ट एंजॉय द ब्लॉग। तो भैया यू आए, यहीं से गांव के सीमा शुरू हुए थे हमारे, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं, बाकी खेत खलिहान तो शुरू हो चुके हैं। इधर देखो खेत है, खेत है। और भैया जैसा हम बता रहे ना, 4 सिलेंडर गाड़ी पर हम दूध बेचब, समझो। भैया हमका नहीं लागत है कि इससे पहले कौनो सुपर बाइक जो है हमारे गांव में गए हुए कौनो। अब बहुत लोगों का तो यहाँ ना पता हुई कि 20 लाख के कोनो गाड़ी आवत, समझो। यहाँ स्प्लेंडर, ये साहब यहाँ राज करती है स्प्लेंडर, समझ रहे हो भैया। स्प्लेंडर के आगे गांव में कौनो गाड़ी टिकत नहीं है। स्प्लेंडर स्प्लेंडर एंड स्प्लेंडर। भैया बहुत ही गंदा रास्ता है इधर, बहुत ही गंदा रास्ता है। गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये रास्ता इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि कहाँ बताई कितना ख़राब है। देख रहा है यार, बाइक चलाने का इस रोड में मज़ा ही नहीं आ रहा है। गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें दिखती नहीं है क्या यार? इधर भी थोड़ा सा डेवलपमेंट कराओ भैया, ज़रूरी है। कम से कम गांव के लोग भी सही से सड़कों का इस्तेमाल कर सकें, सही से चल सकें। उनके मत्थे सिर्फ गड्ढे क्यों हैं? आगे भैया हमका रिएक्शन बहुत तगड़े तगड़े मिले लाग हैं, बहुत है एकदम गदर। हर कोई पलट के देख रहा है कि कौन गाड़ी आए। और जैसे तनिक थ्रॉटल ले लियो तो एक दूसरे भागे लागत हैं, जैसे कि जानवर कोनो दहाड़ रहा हुआ है, ऐसे भागत हैं सर सराए। भैया हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही है, दुई लौंडे इतने खुश हैं देख के, इतने खुश हैं देख के, कहा बताइए। ये देखो यह मुस्कुरा रहे हैं एकदम, पलटिन के देख रहा है लौंडा। फाइनली दोस्तों मैं अपने गांव की सीमा में पहुंच गया हूं। सिर्फ 1 किलोमीटर मेरा गांव है और वहां से अच्छी रोड तो मुझे यहां की दिख रही है। प्रधान ने काम किया भाई, गांव के प्रधान ने काम किया है, सड़क बनवाई है, सड़क बढ़िया है एकदम। बाकी रिएक्शन बहुत तगड़े मिलने वाले हैं। ये वाला कैमरा भी ऑन ही कर देते हैं हम, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कैमरा ऑन है, समझ रहे हो। क्योंकि थोड़ी देर बाद सारी लाइटें हो जाएंगी बंद, फिर अपन करेंगे मस्ती। बस इस स्कूल में मैं पढ़ता था, ये जो स्कूल देख रहे हो प्राथमिक विद्यालय, यहाँ मैंने फर्स्ट और सेकंड पढ़ाई की है भाई। बोरी लेके आता था, मस्त बैठता था, दोस्तों के साथ मज़े करता था, तख्ती पे लिखता था। क्या दिन थे वो भी, क्या दिन थे भाई। आज सूरज वर्मा लखनऊ में रह रहे हैं, सूरज वर्मा ने ये दिन देखे हैं गाँव में, समझ रहे हो। एंड ये मेरा गांव है सामने, रिएक्शन देखिए आप सबके, सब ऐसे देख रहे हैं भाई कौन आ गया। नाव बस पहुंचने वाला हूँ, बस 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 पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। आ जाओ सब लोग, ये मेरा घर है, देख लो सब लोग। चट्टी पहन के आओ, कम से कम पैंट शर्ट पहन के आओ जाए। Yeah.
डबल डिस्क है, इधर भी है उधर भी है। छुए हो ना डिस्क, छुए हो ना, गरम हो ही बहुत, जबरदस्ती चपक जाई खाल। बिल्कुल आ रहे हैं पीछे। अम्मा कहाँ करने लगी है? अम्मा नहा रही है। जो मनु कहाँ लगी है? मंदिर से हुआ है तब करिए, या तो मंदिर से हुआ है तब करिए। आई है घर पर तो उठा कर ली। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते बाबू। यहाँ आ गई सब आप? हाँ यहाँ आया माँ। बहुत बढ़िया लड़के। ये आप ऊपर तो बैठ गए हो? हैं? ऊपर कहाँ बैठो भाई? कार्बन पाइप से नीचे है यार, जिप पर बैठ के गई रहो तुम। आई थे माँ अबे, आए अबे, आई थे मंदिर से ही के। हाँ पकड़ के बैठे हो, बस पकड़ के बैठे हो क्योंकि बहुत तेज है। ज्यादा नहीं क्यों भैया? हम रत्तीन भराई चब हत्तन वा। सो ये हमारे गांव का मंदिर है, यहाँ पे होगी थोड़ी बहुत पूजा। और कैमरा करते हैं बंद।